है दोस्तों, कैसे हैं? आज वापस आपको येस बैंक पर अपडेट लेके आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि 165 पे इसका बहुत बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसको आज सिंपल से जो मोदी ने तो किया ही किया था, बाद में और एक न्यूज आ गया कि इसका फंड यूटिलाइज किया गया, मिस यूटिलाइज किया गया है, तो और एक अच्छा खासा आज बवाल हो गया। और उसके बाद तो इसकी जो धुलाई हुई, इसने सारे लेवल को बिना देखे तोड़ दिया और अपने अनप्रडिक्शनल लेवल पे आज के डेट में खड़ा है। अच्छी बात तो यह है कि शाम को अभी एक अच्छी न्यूज आई है कि जो ये खबर थी कि इसके फंड को मिस यूटिलाइज किया, वो गलत है। तो आइए हम दोनों चीज़ देखेंगे और अब क्या हो सकता है। ये देखिए, इस आज तो अच्छे खासे मतलब समझिए सभी का मार्जिन हिट कर गया होगा, सभी के स्टॉप लॉस हिट कर गए होंगे, जिस जो भी इसमें बाइंग पोजिशन में खड़ा होगा। तो ठीक है, अब ऐसे ही न्यूज मीडिया अगर हर समय गलत गलत खबर देते रहेगी तो ऐसे ही होगा मार्केट में। और आज भी जो इसने वेटेड एवरेज वॉल्यूम दिखाया है वो ऐसा दिखाया है कि कल और गिरने की संभावना बताता है। आप देखिएगा तो 7 रुपये का डिफरेंस है, कल 5 का था, 7 का डिफरेंस है, इन सभी भी इसमें पूरी गिरने की संभावना बताता है। तो अब तो इसका जो सपोर्ट बचा है वो इसका लगभग 152-151 के आसपास है। अगर 151 इसको तोड़ता है, 151-152 को तोड़ता है किसी भी तरह, और 148 के नीचे जाता है तो आपको यहाँ से सीधा 122 देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम एक्सपेक्टेशन इसलिए थोड़ा कम कर सकते, बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेडर को तो जैसे भी करके तोड़ना है तो 122 दिखा दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि एक अच्छी न्यूज आई है तो इसके लिए मैं आपको तो दोनों में से पहले आप क्या देखना चाहेंगे, खराब न्यूज की अच्छी न्यूज? तो पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि इसकी हालत बैंड बजी क्यों, ऐसी क्यों हालत हुई, 162 पे क्यों गिरा, 11.25% क्यों गिरा। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों ने 200 में फ्यूचर बाय करके रखा हुआ इसका, और जब से 400 से गिर रहा है कंटिन्यूस एक नए लो को बनाने का ट्रेंड पैटर्न बनाया है इसने। इसलिए मैं न्यू कमर के लिए क्लियर एडवाइस, अगर ये 206 को क्रॉस 205 को नहीं करता तो नहीं आना है इसमें, इस शेयर में नहीं बाय करेंगे तो कुछ जाने को नहीं है। जाएगा तो 205 के बाद, अच्छे पैटर्न के बाद जाएगा, और बेहतर रहेगा इसको जनवरी में, और भी पता नहीं कोई कोई न्यूज आ सकता है अभी यहाँ पर, डेली एक न्यूज आएगा इसमें, कुछ ना कुछ उठा पटक होते रहेगा। तो चलिए अभी आगे क्या कर सकते हैं, अगर किसी वापस किसी को फिर भी पोजीशन बनाना है या बना सकते हैं तो न्यूज़ देखते रहिए और इस पे काम करते रहिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए ये अभी भी अच्छा शेयर है, लॉन्ग पोजीशन के लिए ख़राब नहीं हुआ ये, इसको आप अप एवरेज कर सकते हैं। अभी भी जो अगर 200 में लिया होगा वो 162 में एवरेज करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी उनको। आज आप देखेंगे ये 180 के ओपन, वन कल की क्लोजिंग थी 182.65, और ये बिलीव था कि 165 के लेवल, इनफैक्ट 170 ये नहीं तोड़ता तो वो तो वहाँ पे 170 के आसपास ये जाकर के बहुत देर तक खड़ा रहा। लेकिन 12 बजे एक न्यूज आ गई इसमें, और वो न्यूज ऐसा था कि ये रहा न्यूज कि राणा कपूर्स कंपनी यूज्ड बोरोड मनी टू इन्वेस्ट इन अ प्राइवेट फाइनेंस फर्म रिपोर्ट। एक ये न्यूज आई कि राणा कपूर की जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड या सभी लोग इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, इसको किसी एक कंपनी है जो है आर्ट फाइनेंस करके है, उसमें आर्ट हाउसिंग फाइनेंस थ्रो, ये उसमें लगा रही है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया, राणा कपूर शेयर्स कैपिटल बोरोड फंड फ्रॉम द मार्केट, ए पार्ट ऑफ विच हैज इन्वेस्टेड इन आर्ट कैपिटल। ये आर्ट कैपिटल कौन था? आर्ट कैपिटल जो है ये इनके रिलेटेड है, रिलेटिव है, तो वहां पे उनको आर्ट कैपिटल में, आर्ट हाउसिंग फाइनेंस इज फंडेड बाय मनी रेज्ड बाय मिस्टर कपूर्स फैमिली थ्रू प्राइवेट ओन फर्म्स विच हैव रेज्ड फंड्स विद द यस बैंक सिक्योरिटी द रिपोर्ट। ये 700 करोड़ का कुछ था। और ये कौन है आर्ट कैपिटल, कौन है आर्ट हाउसिंग फाइनेंस, कौन है? तो ये राखी कपूर टंडन, डॉटर ऑफ राणा कपूर, इज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ आर्ट हाउसिंग फाइनेंस। द कंपनी लेंड्स टू कस्टमर फ्रॉम द लो मिडिल इनकम ग्रुप। और ये न्यूज कितने बजे आई है? ये न्यूज आज के डेट में 4:28 को आई है, अपडेटेड ऑन 4:47 पे। ये न्यूज आने, ये अच्छी खासी इसमें, इसके कारण ये हो सकता है उनको पहले ये पब्लिश बाद में हुई हो, जो उसके बाद ये न्यूज आई है 5:20 पे कि ऐसा कुछ भी नहीं, यस बैंक डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड्स ओन्ड बाय प्रमोटर राणा कपूर। तो इस न्यूज को खारिज कर दिया गया है। और अभी अपडेट जो न्यूज आया है वो ये है, यस बैंक डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड्स ओन्ड बाय प्रमोटर राणा कपूर।
ये 5:20 में नया न्यूज आया है। अब ये क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। यस बैंक हैज क्लैरिफाइड इट हैज नो बिजनेस डीलिंग विद द टू राणा कपूर प्रमोटेड इन्वेस्टर्स फंड दैट हैव कम अंडर रेगुलेटरी इन्वेस्टर लेंस। द बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे व्हाटएवर विद द फंड्स मैनेजमेंट ऑफ टू कंपनीज रेफर्ड इन मीडिया आर्टिकल्स एंड द बैंक हैज नो डीलिंग विद दिस टू कंपनीज। आप जानते हैं कि ये राणा कपूर और जो उनकी जो दूसरी है कपूर, उसके अलावा आप यस बैंक ने एक और कंपनी बनाई है प्रमोटर, जो जिसका नाम है कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड मॉर्गन ग्रेट प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक एज ए प्रमोटर ही है, मधु कपूर, राधा कपूर और ये एक प्रमोटर करके एक कंपनी बनाएंगे। ये तीन प्रमोटर है वहां पे, ये दोनों कंबाइन प्रमोटर है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इसके अलावा कोई भी फंडिंग कहीं पे नहीं गई है। द बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे व्हाटएवर विद द फंड्स मैनेजमेंट ऑफ टू कंपनी रेफर्स इन मीडिया आर्टिकल एंड द बैंक हैज नो डीलिंग विद दिस टू कंपनीज एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट यस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड मॉर्गन ग्रेट प्राइवेट लिमिटेड बीइंग प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज यस बैंक सेड इन द स्टेटमेंट। ये प्रमोटर ग्रुप में है, इसके अलावा कोई भी मीडिया में जो बात कही गई है, आउट हाउसिंग फाइनेंस वाली जो बात कही गई है, ये जो बात आ रही है ट्रांजेक्शन इरेगुलर बट नॉट इलीगल हुआ, जो भी है आर्ट फाइनेंस में हुआ है, आर्ट द इन्वेस्टेड ऑफ डेट इक्विटी आर्ट कैपिटल यस बैलेंस, ये सब गलत है, ऐसे इनका डिनाई किया है भगवान मालिक का भी इसका। यस कैपिटल ऑन मिस्टर राणा कपूर फैमिली बोरोड फंड फ्रॉम द मार्केट। एक मिनट, तो राणा कपूर कंपनी यूज्ड बोरोड मनी टू, ये नहीं है ये है। हाँ, यस बैंक डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इन्वेस्टिंग फंड्स ओन्ड बाय द प्रमोटर। तो इसमें क्या हुआ है, तो आप इसमें देखने जाएंगे तो यहाँ पे ए रिपोर्ट बाय द बैंक इज नॉट, ये तो बता दिया आपको, ए बैंक ए रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 28 नवंबर पॉइंटेड आउट यस बैंक को फंड राणा कपूर इन्वेस्टमेंट कंपनीज मे कम अंडर द रेगुलेटर्स लेंस फॉर द रिपोर्टेडली यूजिंग बोरोड मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एज इक्विटी इन फाइनेंस कंपनी थ्रू क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चनेबल, वो गलत नहीं था बट वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, चूंकि ये ऑनर थे ऐसा करना नहीं चाहिए था, इलीगल नहीं है बट ये क्वेश्चनेबल है, ऐसा करके वो मैसेज था। यस कैपिटल ओन्ड बाय राणा कपूर फैमिली बोरोड फंड फ्रॉम द मार्केट ए पार्ट ऑफ विच वॉज इन्वेस्टेड इन आर्ट कैपिटल विच सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टेड ए पोर्शन ऑफ दैट इन आर्ट हाउसिंग फाइनेंस थ्रू सब्सिडीज द रिपोर्ट सेज, ऐसा करके इस रिपोर्ट में बताया गया जिसको अब डिनाई किया जा रहा है। यस कैपिटल बैलेंस शीट शोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्ट एज इक्विटी इन आर्ट कैपिटल द अल्टीमेट बेनिफिशियरी बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑफ बोथ कंपनीज रेस विद द यस कैपिटल विच ऑल्सो ऑन शेयर इन यस बैंक। अब इसको क्या घुमा फिरा करके इनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो न्यूज़ था वो गलत है, अभी ये सही है, कल आपको और कोई न्यूज़ मिल जाएगा तो बेहतर है। आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए और आप जब तक ये 204 नहीं दिखाता है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड करने की बहुत ज़रूरत नहीं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 122 दिखा सकता है तो इसका मंथली डेमा आ जाएंगे, 150 दिन का जो डेमा है, 181 पे इसको सपोर्ट लेना था, 165 लास्ट क्लोजिंग पे सपोर्ट लेना था, कहीं नहीं लिया। अब इसकी जो सपोर्ट बनती है 150 डेमा का 122 है, तो किसी कारण से अगर 150 के सेंटिमेंट को तोड़ता है ये तो आपको 122 को देखने को मिल सकता है। 150 ये कोई सपोर्ट नहीं है बट आप यहाँ पे देखेंगे, अगर डेली चार्ट पे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे एक लेवल है यहाँ पे जहाँ पे कि ये इस लेवल पे आकर के, वो भी 162 का था, तो इस लेवल यहाँ पे कहीं पे आकर के आपको यहाँ पे 154 के आसपास 153, तो यहाँ से एक बार अप लिया हुआ और यहीं पे बहुत दिन तक, कुछ दिन तक आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे से यहाँ तक ये ट्रांजेक्शन कर रहा था। तो ये समझ लीजिए और ये एक समझ लीजिए कि 150 का एक सेंटीमेंट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 122 देखने को मिलेगा और न्यूज़ तो खारिज होते रहेगा। अब जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई नया CEO आएगा तब तक इसमें कोई गुड न्यूज़ रहेगा। तो अगर अभी भी किसी को इसमें खेलना है तो खेल सकते हैं। बढ़िया, बैंक ने तो अच्छा खासा आज काम कर दिया और 162.10 रुपये की क्लोजिंग दी है, 20% 20 रुपया किसी का ख़त्म कर दिया है। आप समझिए वॉल्यूम देखिए, इसमें 14 करोड़ का वॉल्यूम है, समझते हैं आप, 14 करोड़ के वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाई जा रही है तो लोग तो अभी भी बाई कर रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी हुई है, 22% हो गई है, तो इसको भी लोग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और इसको बाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप भी चाहते हैं इसको बाई करना तो बाई कीजिए। 14 करोड़ की डिलीवरी हो, यहाँ पर वॉल्यूम हो रही है
और अगर इसमें डिलीवरी दिखाऊँ आपको तो डिलीवरी आप देखेंगे यहाँ पे 31%, 14 करोड़ में से 43 करोड़ की डिलीवरी हुई है। और आज देखेंगे जो 52 वीक लो है इसका 160.30, आज के रिकॉर्ड डेट बनाया है इसने 52 वीक लो का, तो इसके लिए तो इसको बधाई देना चाहिए। चलिए एक बार इसको डेरिवेटिव में भी चेक कर ले, डेरिवेटिव में क्या पोजीशन दिसंबर में बना रहा है। तो डेरिवेटिव में देखेंगे तो आप अभी 200 से ये सपोर्ट लेवल टूटते हुए 185 के सपोर्ट लेवल को माइनस करते हुए अब ये जो सबसे ज़्यादा बना रहा है 160 पे बना रहा है, जो इसका सपोर्ट दिख रहा है 160 पे 6 लाख का एडिशन हुआ आज के डेट में ओपन इंटरेस्ट में, और 150 पे बना रहा है जो कि 7 लाख का लगभग 6,79,000, तो 150 और 160 पे सपोर्ट दे रहा है। और बाइंग पोजिशन जो है अब आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा 200 पे दिसंबर का ये है, ये दिसंबर का है, तो आप देखेंगे 200 और जो कि 200 पे आप देखेंगे तो लगभग 200 पे 21 लाख शेयर का बाइंग हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, राइटिंग हुआ है, और 180 पे 16 लाख का, तो 9 शिफ्ट आपका जो हुआ है, अब 180 की तरफ लोग शिफ्ट हुए हैं, 180 पे बाइंग कर रहे हैं क्योंकि वो 160 जा चुका है, और अगर 122 गया तो और नीचे शिफ्ट होंगे, तो लोग अभी 180 पे बाइंग कर रहे हैं जिसका ऑप्शन कॉल का रेट है 11.80 रुपये, और 200 का अब तो 6.60 रुपये भी आज की क्लोजिंग दिया हुआ है, और उस पर आज खूब अच्छी खासी बाइंग हुई है, और यहाँ पे 200 पे आप देखेंगे तो 20,91,000 का। अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है और अगर उन्होंने बाइंग किया है तो एक स्ट्रेटजी याद रख लीजिए, वापस उस लॉट को एवरेज मत कीजिएगा। अगर आप 200 का लॉट बाय किए हैं और उसको एवरेज कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। अगर 20% गिरा है आज, वो 20 रुपये गिराया है, तो अब आपको 180 का बाय करना चाहिए, आपको भी नीचे की ओर जाना पड़ेगा, ताकि जब वो रेस्ट करके ऊपर उठे तो आपको सबसे पहले इसका फायदा हो। तो अब आपको 180 की जो पेपर ट्रेडिंग करनी है वो 11.80 रुपये भी मिल रहा है, तो आपको अब 180 की पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने 200 का भी लिया है तो अब आपको 180 का लेना पड़ेगा 11। ऐसे आपको मिनिमम हो सकता है ये आपको 3 से 4 लॉट लेने पड़ सकते हैं। अगर ये वापस नहीं गिरता है तब तो आपको यहाँ से रुकना पड़ेगा, आपको ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर नहीं तो अगर वापस 122 जाता है तो आपको वापस 160 का पोजीशन बनाना पड़ेगा आसपास, और नीचे जाता है तो और नीचे अपने को जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 पोजीशन आपको हो सकता है ब्लॉक करने पड़ेंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो अभी जो पोजीशन बनानी है आपको वो 180 का 11.80 रुपये पे मिल रहा है, तो वो आपको पोजीशन बनानी है। मैं आपका ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं बताता हूँ इसमें लगाने के लिए, 1750 का 10 रुपये, आप कल मार्केट गिरेगा एक बार ये, और हो सकता है गिरेगा तो आपको 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो 17,500 यहाँ पे लगेगा आपको। और उस दिन कल आपने 8 रुपये लगाया था, अगर लगाया होगा ये 6 रुपये लगाया है, यहाँ पे 6 रुपये पे मिल रहा है, तो जैसा भी है, तो आपको यहाँ पे वापस अभी 180 की बाइंग करनी पड़ जाएगी। और अगर वापस फर्दर कर गिरता है तो क्लोजिंग बेसिस पे वॉच रखिएगा, आपको बीच में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मार्केट थोड़ा भी गिरे, आपको अगर वो कल 150 किसी भी हालत में ब्रेक करता है या 150 टच करता है, और आपको ये 160 का कॉल अगर आपको मिलता है यहाँ पे 8 रुपये के आसपास, 8 से 10 के रेंज में, तब जा करके आपको बाई करनी, नहीं मिलता है तो कोई बाई नहीं करनी। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बाई एवरेज नहीं, एवरेज सेम लॉट का नहीं कीजिएगा, 200 का कभी भी एवरेज मत कीजिएगा। 660 में आ गया आपको लगेगा हमने ऊपर खरीदा है, इसको नीचे एवरेज करते हैं, नहीं कीजिएगा, क्योंकि गलती से अगर वो क्या होता है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंजिक वैल्यू होती है उसकी, ये दोनों वैल्यू मिलना जरूरी है। टाइम वैल्यू एक्सपायर कर जाएगी, और अगर वो 200 नहीं पहुंच पाए दिसंबर में, और भी बैड न्यूज आ गए, 120 को टच करके, जो कि अब मार्केट में तो कंप्लीट आ चुका है कि 120 टच करेगा, तो अगर वैसा कोई न्यूज आ गया और मार्केट वैसा रहा और सेंटिमेंट से खुद आप देख रहे हैं 150 की ओर सपोर्ट ले रहा है, और सबसे ज़्यादा ऊपर 140 पे बन रहा है, 5,88,000 का 30 पे बन रहा है, तो आप देखिए क्या बाइंग 130 तक की जाके बाइंग होनी चालू हो गई है। तो सब आपको जब मार्केट सेंटिमेंट है तो ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लेते हैं, 2 दिन में क्या हो जाएगा, और थोड़ा न्यूज खराब आएगा, आ जाने दीजिए। तो अगर 100 आपको 150 के समझिए, आपको 160 का या 150 का बाई करना 8 से 10 रुपये में, तो मैं आपको बताता हूँ अगर नहीं भी होता तो 160 का अगर आपको 8 रुपये में मिलता है तो बाई कर लीजिएगा, तो 3 लॉट हो जाएंगे आपके पास, एक आपने 200 का किया है, अब आपको 180 या कल
अगर आपको वापस ये 170 का मिलता है आपको 10 रुपये के आसपास, तो आपको 10 रुपये के राउंड बाई करना है, नियरेस्ट लॉट पे बाई करना है। आप समझिए, अगर ये 150 की ओर जाता है मान लीजिए, तो आप वापस कल 180 का क्यों बाय करेंगे, आप 170 का 10 रुपये में बाय कर लीजिए। तो आप जितना नियरेस्ट बाय करेंगे ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप समझिए, जब आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जब वापस वो रिकवरी लगा है, सेंटीमेंट न्यूज तो खत्म होना है, ऐसा नहीं कि 130 के बाद 100 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, 400 का शेयर है। तो जैसे रिकवरी लेगा तो रिकवरी भी इसी स्पीड में लेगा, क्योंकि अच्छा खासा सेंटीमेंट्स, और डिलीवरी तो आप देख ही रहे, डिलीवरी अगर आप देख रहे हैं कि 43 लाख 50 लाख शेयर का हो रहा है, तो बड़े प्लेयर हो सकता है एक बार से गिरा करके न्यूज को उठा करके, आप जैसे देख रहे हैं यही न्यूज देख लीजिए, एक बार आपको न्यूज क्या बताता है, दूसरे बार तुरंत उसको रिवॉक करता है, ऐसा तो चलता रहेगा यहाँ पे। तो अगर किसी को बाय करनी है तो पेपर ट्रेडिंग करनी है, ये कंप्लीट मैं एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, तो आपको नियरेस्ट बाय करनी है एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज बाय करनी है। आपको 170 की बाय अगर 10 में मिलती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज 180 का भी है आपको 8 के आसपास बाय कीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोएस्ट कॉस्ट में बाय कीजिए, और अब अगर देखिए कोई ट्रेंड निगेटिव है तो निगेटिव का लास्ट वे तक अगर वेट करते हैं तो खराब क्या है, और अगर मान लो उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है तो होने दो ना, आपके पास तो लॉट पड़ा है ना, आपको तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई लॉट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में आपको लगता है इतना अगर इशू है, बैंक निफ्टी का मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन अगर इतना प्रॉब्लम है तो आपको मैं बता, तो बैंक निफ्टी में आपका 27,000 तो जो टच करेगा करेगा, बैंक निफ्टी में पुट का पोजीशन आप बना सकते हैं दिसंबर के लिए, आपको जो सुटेबिलिटी लगता है आपको मैं डिटेल बता दूंगा, लेकिन अभी से बता देता हूँ आपको बैंक निफ्टी में पुट का पोजीशन आप चाहें तो बना सकते हैं, उसका कारण और डिटेल पूरा वीडियो आपको दे देंगे, ये कहाँ पे बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। तो आपको अगर लगेगा वैसा तो निफ्टी बैंक का हम आपको पोजीशन दे देंगे। आज निफ्टी बैंक देखेंगे आप जो क्लोजिंग हुआ है 26,457 पे हुआ है, और ये एक बार 27,000 आपको लगता है ये दिखा देगा, तो 27,000 की ओर ये क्रॉस करने की कोशिश करता है, कल पर तो नहीं करेगा क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन आपको एक बार हो सकता है इसको 27,000 की ओर जाएगा, तो जब ये 27,000 की ओर जाएगा तो आपको पुट की वैल्यू लोएस्ट रेट में मिल जाएगी। तो आपको पुट का पोजीशन बनाना है, आपको 26,000 का पुट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत ही फायदेमंद देगा। अगर आप 26,000 की पुट की बात करेंगे निफ्टी बैंक में, तो आपको अच्छे खासे रेट पर आपको निफ्टी बैंक में मिल जाएगा। एक मिनट आपको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ अभी ये निफ्टी बैंक किस रेट में मिल रहा है आज का आपको, तो आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी जो है, और अब कौन सा लेना है आपको, तो अब लास्ट क्या है 27 दिसंबर का बैंक निफ्टी, तो अगर बैंक निफ्टी पे किसी को पोजीशन बनानी है तो पुट की और पोजीशन बनानी है, और आज चल रहा है 26,457, तो आपको लेना है 26,000 का लेना है, तो 26,000 का जो चल रहा है वो 793 रुपये चल रहा है, और मान के चलिए 500 तक आपको मिल जाएगा, 500-400 तक मिल जाएगा, तो आपको 26,000 पे पोजीशन बनानी है, 500 रुपये लगानी है, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का लॉट है तो 10,000 रुपये लगेगा, आपको अच्छा खासा ये 26,000 का देगा गेम, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो और भी हो सकता है इसकी वैल्यू यहाँ पे गिरेगी, तो आपको अगर ये 600 के आसपास मिलता है तो 10 से 12,000 का इन्वेस्टमेंट, 26,000 का सॉरी ये कॉल था, आपको पुट की ओर जाना है, सॉरी ये पुट है, पुट इस साइड में है, पुट तो आपको अभी ऑलरेडी सस्ते में मिल रहा है, आपको 300 में ही मिल रहा है, तो आपको 6,000 लगेगा, और कल और ये गिरेगा तो आपको और फायदा हो जाएगा, तो आप 26,000 का पुट अभी जो 300 में मिल रहा है, अगर आपको और नीचे मिलता है तो आप एक लॉट 26,000 का एक लॉट बाई करेंगे दिसंबर का, कुछ नहीं करेंगे सिर्फ एक लॉट बाई करेंगे, क्योंकि आपको टोटल 4 लॉट बाई करना है। 4 लॉट कैसे बाई करना है, जैसे मैंने अभी यस बैंक में बताया वैसे ही इसमें भी बाई करना है, या आप मैंने प्रीवियस वीडियो देख लेंगे जब मैंने आपको 25,000 का कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, और वहां से वो 300 रुपये से वो 1,200 रुपये 1,800 रुपये चला गया था, तो वैसे ही आप वापस इसमें अभी 26,000 का पुट चाहें तो आप बाई कर सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए, वो अलग से मैं निफ्टी बैंक के लिए वीडियो आपको बता दूंगा जो मंथली वीडियो होता है, वो डेली उसमें ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, डेली आप प्लस प्लस माइनस कर मैं आपको निकलने बोलूंगा तब तक आप एग्जिट नहीं हो पाएंगे, और जब अब तो इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको ये है 27 दिसंबर का 2018 का, किसी को बाई करना है तो 26,000 का पुट बाई कर सकते हैं जो 300 रुपये के आसपास मिल रहा है, कल अगर मार्केट ऊपर जाता है एक्सपायरी को लेकर तो आपको 250 तक ये मिल जाएगा, तो 200-250 रुपये मैंने सिर्फ 5,000 रुपये का, आप 250 रुपये भी माने सिर्फ 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, और ये आपको यहाँ से अगर जैसा न्यूज है और मार्केट है जैसा इलेक्शन का न्यूज आ रहा है, अगर हुआ ऐसा कुछ खराब हुआ तो आपको ये
पांच यानी 25,000 तक का गेन दे सकता है। इसकी वैल्यू 1,000 तक, 1,000 भी उससे भी ऊपर जा सकती है आज के जो इलेक्शन के बाद है। तो इलेक्शन के न्यूज पे डिपेंड करेगा, नहीं भी डिपेंड करता है तो भी आप 26,000 का पुट बनेंगे, क्योंकि मार्केट 27,000 से और कितना ऊपर जाएगा वो उस पर भी निर्भर करता है, उसकी हाई क्या है वहां तक जाकर के वो रुकना तो है उसको। तो अब अपर साइड थोड़ा 27,000 तक है, 27,000 से ऊपर की ओर जाना थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए मैं बोला कि एक लॉट लीजिए, फिर ऊपर जाता है तो फिर वापस आपको 26,500 का लेना है, फिर 27,000 का लेना है, तो आपको अपर साइड में पुट लेना है। तो जैसे आप वैल्यू आपको 300 ही लगाना है, तो जैसे जैसे आप वैल्यू लगाएंगे ऊपर की ओर जाएंगे, 5-500 पॉइंट करके ऊपर जाएंगे, तो जब वो वापस नीचे आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, और उसको एक बार तो 25,000 टच कराना ही है, तो आप 26,000 का ले रहे हैं तो 1,000 पॉइंट ऐसे ऊपर जाकर के आएगा तो और आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो वैसे करके आपको निफ्टी बैंक में भी बाइंग करनी होगी। चलिए हम यस बैंक पे बात करते हैं, यस बैंक पे कंक्लूड करते हैं वापस। ये न्यूज अप डाउन होते रहेगा, 150 तोड़ता है तो 122, जो कि 150 डेज का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 30 दिन का जो इसका डेमा है, 150 डेमा है, जो 122.35 है ये इसको दिखा सकता है। तो ये जो लोग फंसे हैं, जो लोग इसमें लॉस कर रहे हैं, अगर कोई पोजिशन बाइंग है तो बहुत अच्छा है उनके लिए, अगर सब लोग डिलीवरी में उठा रहे हैं तो आपको भी उठाना चाहिए। और अगर आपको 162, क्योंकि ऐसी न्यूज अगर ऐसी करेक्ट होगी तो हो सकता है कल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, रिकवरी भी दिखा दे आपको, लेकिन कल कोई और न्यूज आ जाएगी तो फिर ये नीचे भी गिरा देगा। तो जैसा रहेगा न्यूज, न्यूज ओरिएंटेड आप लोग भी डील करना चाहे कर लें, लेकिन जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज दिखा रहा है ये मैं आपको वापस बता दूं, ये निगेटिव बता रहा है, 7 रुपये का डिफरेंस है, 7 रुपये का डिफरेंस मैंने अच्छा खासा सेंटिमेंट तोड़ा हुआ है, तो नीचे जाने का यहाँ पे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई रिकवरी आएगी, कोई बहुत ज़्यादा आकर के इसको उठाने वाला है, बसरते कल 1-2 दिन में, 4 दिन में कोई न्यूज आने वाला है, या इसका भी एक तरीका हो सकता है गिराने का कि कोई इंटरनल न्यूज फाइनल हो चुका है, अब इसको नीचे ट्रेडर तोड़ना चाहते हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं, फिर उसको ऊपर उठा देंगे एक साथ, तो ठीक है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बाइंग है तो पोजिशन बाइंग कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई पोजिशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें, फिर इस पे पोजिशन बनाएं। यस बैंक पे सिर्फ ये मेरा एजुकेशनल कॉल था, एजुकेशनल व्यू था, और 150 तोड़ता है तो 122 की ओर जा सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा बाइंग है। यस बैंक में डिलीवरी डेरिवेटिव पोजिशन पे कॉल पे कैसे पोजिशन बनाना है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, मैं अच्छा लगेगा, और आपकी रेस्ट आपकी मर्जी। धन्यवाद।